हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आई एम आई रस्तोगी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एट ओ एस एन अकेडमी स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नए यूनिट स्टार्ट करेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट की जो कि है यूनिट फोर कॉमर्स में आपको ये बिजनेस फाइनेंस के नाम से मिलेगी और मैनेजमेंट में ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से सिलेबस में दी हुई है ये जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जरूरी नहीं आपको सिलेबस में इसी नाम से ये टॉपिक मिले बट दिस इज द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच विल बी डिस्कसिंग टूडे आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इन चार टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है दूसरा विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट

so let's begin with the lecture first of all we need to understand what is financial management financial management होता क्या है financial management से पहले हमें यह समझना है कि फाइनेंस क्या होता है फाइनेंस हमारी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इट्स नॉट ए न्यू टॉपिक और न्यू टर्म फॉर अर्स डेली हम फाइनेंस में डील करते रहते हैं अगर एक example के तौर से हम समझें एक हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लें तो हाउस होल्ड में आप सब आप सबके घर में या आप अगर कोई सैलरीड है तो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में सैलरी आती है फिर आप एलोकेशन करते हैं कि उस सैलरी में से कितना पोर्शन हम किस किस चीज में अपना एलोकेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ सैलरी आई सो दैट वुड बी इनफ्लो ये इनफ्लो हो गया आपका अब इसमें से आप ये एसरटेन करते हो कि आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड सपोज आपका रेंट में गया सम पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट में गया सम पोर्शन आपका फूड एंड मेंटेनेंस में गया सो so यह सारी चीजें क्या हो रही है दीज ऑल आर आउटफ्लो हम अपनी लाइफ में इसी तरह से तो अपने फंड्स मैनेज करते हैं अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं कि हमारे पास इनफ्लो कितना हो रहा है और उसमें से पैसा हमारा खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है कितना हमें अपने एक्सपेंसेस में लगाना है कितना हमें अपना इन्वेस्टमेंट पे लगाना है कितना हमें अपनी सेविंग्स के लिए बचा के रखना है दिस इज़ हाउ वी मैनेज आर फाइनेंसेस इसी तरह अगर हम किसी कॉरपोरेट या किसी फॉर्म की बात करें कंपनी की बात करें उनके पास भी यही सारी एक्टिविटीज रहती हैं उनके पास भी यही आउटफ्लो और इनफ्लो फंड्स को मैनेज करने का काम होता है तो अगर कंपनी और फॉर्म के केस में अगर हम समझें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कोर मैनेजीरियल एक्टिविटीज दैट डील्स विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाएंगी सबसे पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहाँ से होगा मतलब कंपनी को या फॉर्म को जो भी पैसे चाहिए जो भी फंड्स चाहिए वो कहाँ से लेकर आएगी फिर उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा उसको आगे किन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा ताकि रिटर्न उस पर आ सके तो यही बेसिकली एक कंपनी को भी आ, इसमें करना होता है सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। दोनों चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है कि क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं कहां से पैसा लेके आएगी कंपनी और दूसरी चीज उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा ताकि उस पर मैक्सिमम रिटर्न कंपनी अर्न कर सके तो ये समझने के लिए कि क्या क्या फंक्शन या क्या क्या ड्यूटीज एक फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है वी नीड टू अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेन ड्यूटीज़ होती हैं वो किसी भी फाइनेंस मैनेजर की होती हैं फाइनेंस मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं उनका स्कोप ऑफ ड्यूटीज क्या होता है सोनाओ लेट्स अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी फॉर्म या कंपनी में फाइनेंस मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक्टिव रोल होता है एंड दे परफॉर्म वेरिड एक्टिविटीज़ काफ़ी वेरिड नेचर की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं जैसे प्रोक्योरिंग ऑफ फंडस बजटिंग फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग कैश मैनेजमेंट क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड एक्सेट्रा तो ये सारी एक्टिविटीज एक फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप समझने के लिए हम दो अप्रोचेस से इसको समझते हैं पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच ओके सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच नारो सेंस में होता है एंड इट इट्स कन्फाइंड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड ओनली इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का कोई भी रोल नहीं होता या हम इस तरह से इसको समझें फाइनेंस मैनेजर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फ़ंड्स पे इम्फोसाइज करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट में जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स तक ही स्कोप सीमित रहता है मतलब फंड्स के डिफरेंट सोर्सेज में से कहाँ से पैसा लेके आया जाएगा सिर्फ इसी चीज़ पे ओवर एम्फेसाइज किया जाता है मतलब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट बस यही सारी चीज़ें बाकी उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा इस चीज के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता यह भी फोकस में नहीं लिया जाता यह भी कंसिडर में नहीं किया जाता कि इंटरनली फंड्स को मैनेज कौन करेगा इसीलिए इस अप्रोच को आउटसाइड लुकिंग इन अप्रोच भी कहा जाता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस अप्रोच इज इट्स फोकस वॉज मेनली ऑन द फाइनेंसिंग प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्राइज जैसे भी हमने डिस्कस किया कि पैसा आएगा कहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कहाँ से किया जाएगा सिर्फ इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है और बाकी चीज़ें उसका मैनेजमेंट कैसे होगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में किस तरह से फंड्स का यूज़ होगा इन सब चीज़ों पे बात नहीं की जाती है विच ब्रिंग्स अस टू आर नेक्स्ट पॉइंट अगेंस्ट दिस अप्रोच विच इज़ डे टू डे फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज आर इग्नोर्ड हमें बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए होता है हमें बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं तो अंडर दिस अप्रोच जो भी डे टू डे फाइनेंशियल नीड्स होती हैं जो कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं उस चीज की बात इस अप्रोच में नहीं की जाती थर्ड नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ट्रेडिशनल अप्रोच गेव मोर अटेंशन टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज आर प्योरली इग्नोर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस फंक्शन के पर्व्यू में इस अप्रोच में नहीं आता सिर्फ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जाती है कितना पैसा चाहिए क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से पैसा आएगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा ध्यान नहीं देते डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए क्या फंड्स चाहिए उस पर भी बात नहीं होती इनफैक्ट जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी एड्रेस इसमें नहीं किया जाता तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इस अप्रोच के अगेंस्ट में नेक्स्ट इज मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न अप्रोच ब्रॉडर सेंस में होता है क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि इट इंक्लूड्स बोथ प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पे ध्यान दिया जाता है मॉडर्न अप्रोच में फंड्स आएंगे कहाँ से और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा दोनों ही चीजों पर ध्यान दिया जाता है और इस अप्रोच में ज्यादा एम्फोसाइज या मेन कंसर्न जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है वो होता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड्स टू वेरियस यूजेस ठीक मतलब पैसा आने के बाद इन्वेस्टमेंट में कितना लगाया जाएगा डिविडेंड में कितना दिया जाएगा या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कितना चाहिए ये सारी ही चीजों के लिए ध्यान दिया जाता है विच ब्रिंग्स अस टू आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंस फंक्शन जिसमें हम वेरियस या मेजर डिसीजन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन फाइनेंस फंक्शन जैसे भी हमने डिस्कस किया कंसिस्ट ऑफ मेजर बिजनेस डिसीजन जो कि डिवाइडेड है दो दो मेजर डिसीजन में पहला है हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजंस और दूसरा है शॉर्ट टर्म डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन फर्दर डिवाइडेड है फाइनेंसिंग डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंट डिसीजन में एक एक करके इसको हम समझेंगे फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन अब कोई भी कंपनी या फॉर्म है वो बिजनेस स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग पोर्शन पहले आएगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं फाइनेंशियल नीड्स डिटरमिन हो गई उसके बाद हमें यह देखना होता है कि ये पैसा ये जो फंड चाहिए वो आएगा कहां से वी ऑल नो दैट वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस तो कंपनी को यही ध्यान में रखना होता है कि वॉट पॉसिबल सोर्सेस कैन अ कंपनी ऑप्ट फॉर इसमें ध्यान क्या रखना होता है कंपनी को सबसे पहला ये कि रिस्क कितना इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी सोर्स में और दूसरा कंट्रोल कितना हो रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में एज ऑफ नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल नीड्स समझने के बाद कंपनी ये देखती है ये डिटरमिन करती है कि वो फंड्स हमारे किन वेरियस सोर्सेस से इकट्ठा किए जा सकते हैं या प्रोक्योर किए जा सकते हैं जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट बनता है जिसमें हम देखते हैं कि वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या हो सकते हैं और उनकी क्या कॉस्ट होगी और उनका कितना रिस्क और कंट्रोल कंपनी पे आएगा दूसरी चीज पर यह देखी जाती है कि कैपिटल मिक्स क्या होगा सी वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स, वी ऑल नो दैट कैपिटल मिक्स बात जब हम करते हैं तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाता है कि कितना पोर्शन इक्विटी का होगा कितना पोर्शन प्रेफरेंस शेयर्स का होगा या कितना पोर्शन डेट का होगा तो ये जो प्रोपोर्शन हम जज करते हैं या एसटेन करते हैं उसी को कैपिटल मिक्स कहा जाता है जो कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है सो दिस इज ऑल वी डिस्कस इन फाइनेंसिंग डिसीजन यही सारी चीजें हम फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ते हैं नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब एक बार हमारे पास पैसा आ गया कंपनी के पास फंडस आ गए तो उसका इन्वेस्टमेंट या यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा वो चीज़ें हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का किस तरह से होगा इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी डिस्कस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी जो कि डिटर्माइन किया जाता है यूजिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में फर्दर लेक्चर्स में सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किस चीज की बात होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की किन चीजों से डिटरमाइन होता है कौन सी चीजें डिटरमाइन करती है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करके हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ये असरटेन करती है कि कंपनी को जितनी भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं जितनी भी अर्निंग्स हो रही है उसका कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं या पे आउट रेशियो बोलते हैं और आउट ऑफ दोज अर्निंग्स कितना पोर्शन कंपनी रिटेन कर लेगी या कितना पोर्शन कंपनी डिविडेंड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी जिसको हम रिटेंशन रेशियो बोलते हैं सो दिस इज ऑल वॉट वी डिस्कस इन डिविडेंड डिसीजन क्या चीज है जो भी अर्निंग्स हुई हैं कंपनी की उन अर्निंग्स में से कितना पोर्शन इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स दिया जाएगा या कितना रिटेन कर लिया जाएगा ये बात हो गई डिविडेंड डिसीजन की ये तीनों ही डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं और उसको ध्यान में रख के किए जाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट डिसीजन इज लिक्विडिटी डिसीजन जो कि हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन है लिक्विडिटी एज द नेम इज सेंग कंपनी की लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए यह डिसीजन किया जाता है शॉर्ट टर्म डिसीजन है तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में जो भी फंड्स चाहिए वो इस डिसीजन के तहत किया जाता है जो कि हमने पहले डिस्कस भी किया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है ताकि कंपनी की लिक्विडिटी इफेक्टिवली मेंटेन रहे ना ज्यादा कैश आइडल पड़ा रहे और ना ही कैश क्रंच हो ये सारी चीजें हम लिक्विडिटी डिसीजन में डिटरमाइन करते हैं तो ये हो गया हमारा फाइनेंस फंक्शन विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मैच द फॉलोइंग यूजली इसमें से आ सकता है और आए भी हैं पिछले कुछ कुछ एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपको मैच करना होगा सही डिसीजन के साथ लेट्स से आपको एक कॉलम uh, में दे दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे आउट रेशियो और दूसरे कॉलम में आपको दे दिया फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिविडेंड डिसीजन एंड लिक्विडिटी डिसीजन तो आपको मैच करना है कि कौन सी टेक्निक्स किस डिसीजन के अंदर में यूज की जाती हैं सो यू हैव टू रिमेम्बर कि कौन से डिसीजन में क्या काम हो रहा है एंड यूजिंग विच टेक्निक्स वो डिसीजन लिया जा रहा है नाउ दैट वी हैव अंडरस्टर्ड फाइनेंस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हमें यह समझना है कि किसी भी फॉर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं उसी हिसाब से तो फाइनेंस मैनेजर फंक्शन करेगा सो व्हेन वी व्हेन इट कम्स टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी मेनली हैव टू टाइप्स ऑफ गोल्स पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस विथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल की जब हम बात करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव कंपनी का सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि प्रॉफिट के अमाउंट्स को इंक्रीज किया जा सके सोल पर्पज अंडर दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैक्सीमाइज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी बस और इसी के चारों ओर सारे डिसीजन और एक्टिविटीज घूमती रहती है सिर्फ क्या चीज ध्यान देते हैं कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रॉफिट मैक्सीमाइज करना तो इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस दोनों हैं इस गोल के सो so, एक, -एक करके डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस क्या है इस गोल के सबसे पहला तो ये कि प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कैलकुलेट करना आसान होता है इट्स ईजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स क्योंकि हमें परफॉर्मा दे रखा है हमें एक्सपेंसेस जितने हैं, इनकम्स जितनी हैं उसी परफॉर्मा में सब लिखना है एंड इट्स ईजी टू कैलकुलेट एम्बिग्विटी उस केस में नहीं रहती दूसरा एडवांटेज एंड अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस भी रहता है किस तरह से जब हमें प्रॉफिट पता है हम कंपेयर कर सकते हैं फॉर्म की परफॉर्मेंस को विद डिफरेंट ईयर्स पास्ट ईयर में क्या प्रॉफिट रहा इस साल क्या प्रॉफिट रहा पिछले फाइव इयर्स का क्या प्रॉफिट रहा तो यूजिंग प्रॉफिट एज अ मेजर कंपनी की परफॉर्मेंस को ईजिली डिटरमाइन किया जा सकता है नेक्स्ट एडवांटेजेस शोज द एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जितनी भी इनकम्स हैं एक्सपेंसेस हैं उसको सटेन करके उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाता है तो उससे यह समझ में आ जाता है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो भी हम इस केस में इजिली डिटरमाइन कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब इस ऑब्जेक्टिव के सबसे पहला ये कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव को ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि कंपनी का फोकस सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पे है तो प्रॉफिट आप एक फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे दो फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे कंपैरिजन के लिए आप दो या और तीन चार साल भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर का ही तो आप प्रॉफिट निकालेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ साल भर के लिए रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए तो फार साइटेड अप्रोच नहीं रहता कंपनी का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख के सारी एक्टिविटीज की जाती हैं सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर तक प्रॉफिट निकल आया उसके बाद फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देखेंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव रहता है कंपनी का ये फर्स्ट एडवांटेज दूसरा इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये सबसे मेन डिसएडवांटेज है इस ऑब्जेक्टिव uh, का हमारे पास जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं फ्यूचर रिटर्न्स जो भी कंपनी के पास आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है और अनसर्टेनिटी भी रहती है जो कि इस ऑब्जेक्टिव में इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखती है तो फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं या फ्यूचर रिटर्न्स में जो रिस्क इन्वॉल्व है या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है उसको कंपनी ध्यान में नहीं रखती नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इग्नोर द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं जो भी फंड्स हैं उनकी टाइम वैल्यू होती है टाइम वैल्यू क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि जो भी टाइमिंग है रिटर्न्स की या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपनी वो भी ध्यान में नहीं रखती तो ये दो मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की पहला क्या कि जो भी फंड्स हैं या फ्यूचर रिटर्न्स हैं उसमें इन्वॉल्व होने वाले रिस्क को और अनसर्टेनिटी को कंपनी ध्यान में नहीं रखती है दैट इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन सेकेंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन ये दो मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं इस ऑब्जेक्टिव की इस गोल की इसीलिए कंपनी को uh, दूसरे ऑब्जेक्टिव पे मॉडिफाई करना पड़ा विच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सो द नेक्स्ट गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज शेयर होल्डर्स वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अंडर दिस गोल ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये होता है कि फॉर्म की वैल्यू के साथ साथ शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज करें क्या दोनों चीजें ध्यान में रखती है कंपनी क्या क्या पहला कि फॉर्म की मार्केट वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो और साथ में शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ़ मैक्सिमाइज करके मिल सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स ने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं उनका प्राइस अगर इंक्रीज कर जाए तो भी तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो अल्टीमेटली दिस गोल कंपनी उन एक्टिविटीज में डील करती है या उस तरह से डिसीजन मेकिंग करती है जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो और साथ ही साथ कंपनी की मार्केट वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाए तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस गोल के सबसे पहला इट कंसिडर्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए भी ध्यान रखती है कंपनी इस वजह से जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिए जाते हैं सिर्फ एक महीने दो महीने या एक फाइनेंशियल ईयर तक ही सीमित नहीं रहते वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ध्यान में रख के कंपनी सारी डिसीजन मेकिंग करती है नेक्स्ट एडवांटेज कंसिडर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट uh, एडवांटेज है और ये एक मेजर डिसएडवांटेज था आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल का कंसिडर्स रिस्क एंड अनसर्टिनिटी फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स हैं उससे रिलेटेड जितने रिस्क और अनसर्टेनिटीज हैं वो भी कंपनी कंसिडर करती है वाइल टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन्स नेक्स्ट इज कंसिडर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न दैट इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उनकी वैल्यू को भी ध्यान में रखती है कंपनी वाइल टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन नेक्स्ट एडवांटेजेस बेनिफिट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट दैन प्रॉफिट्स जो भी बेनिफिट्स हैं वो कैश फ्लोज के फॉर्म में मेजर किए जाते हैं बेनिफिट्स किस किस को कंपनी को और शेयर होल्डर्स को सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे मेजरमेंट नहीं होता कैश uh, फ्लोज जो भी फंड्स फ्लो हो रहे हैं उसके बेसिस पे बेनिफिट्स देखे जाते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस कंसिडर्स शेयर होल्डर्स रिटर्न हमें एक चीज़ ये बहुत बेसिक सी पता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न अगर शेयर होल्डर्स अपने रिस्क को मैक्सिमाइज कर रहे हैं ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी रिटर्न की ज्यादा होती है इस ऑब्जेक्टिव के तहत इस गोल के अंडर कंपनी शेयर होल्डर्स की रिस्क को एड्रेस करती है और उनके रिटर्न को भी ध्यान में रख के डिसीजन मेकिंग करती है नाउ कमिंग ऑन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस गोल फर्स्ट फॉर डिसएडवांटेजेस डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स कैन लीड टू एंजाइटी। जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव और कंपनी के मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेम हो अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंसेस होते हैं तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है विच कैन लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स इन द कंपनी नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस हमें ये चीज़ पता है कि शेयर मार्केट जो होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है किसी एक कंपनी का प्राइस मल्टीपल फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है ज़रूरी नहीं कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजन कंपनी में लिए जा रहे हैं वही पूरी तरह से शेयर प्राइस को अफेक्ट करें अगर एक्सटर्नल फैक्टर जो है जो कि फॉरन कंट्रीज़ में अगर कुछ हो रहा है या गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी आ गई जो फीजबल नहीं है फेवरेबल नहीं है तो भी शेयर प्राइस अफेक्ट हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि देर इज़ क्लियर और क्लीन रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी मल्टीपल फैक्टर्स से शेयर प्राइजेस अफेक्ट होते हैं इसीलिए कोई क्लियर रिलेशनशिप हमें फाइनेंशियल डिसीजन और शेयर प्राइस के बीच में नहीं मिल पाता अंडर दिस गोल नाउ दैट वी हैव डिस्कस बोथ दी ऑब्जेक्टिव्स दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों ही हमने डिस्कस किया दोनों में से सुपीरियर किस को कंसिडर किया जाता है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इट इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव यह ध्यान में रखिएगा हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए सो दिस इज ऑल फॉर टुडे आज हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है फिर हमने स्कोप समझा जिसमें हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की बात की देन वी डिस्कस्ड फाइनेंस फंक्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने चार फाइनेंशियल uh, डिसीजंस के बारे में उसमें डिस्कस किया Financing decision, investment decision, dividend decision, and liquidity decision. And lastly, we discussed about objectives of financial management. So aj keliat See you in the next lecture. Thank you.